अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रयान और आप देख रहे हैं रैन टेक टिप्स। मैं आज आपके लिए व्हाट्सएप की 15 ऐसी ट्रिक्स लेकर आया हूँ जिनको देखकर आप हैरान हो जाएंगे और आपको अपना व्हाट्सएप यूज़ करने में बहुत आसानी होगी। व्हाट्सएप की सेटिंग के अंदर छुपे हुए खुफिया राज हैं जिनको मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप प्लीज़ इसको यहाँ से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन होगी, आप वहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से फ़ायदा ये होगा कि मेरे आने वाली नई वीडियो से आप बाखबर रहेंगे, क्योंकि मैं टेक्निकल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। मेरी वीडियो ज़्यादातर एंड्रॉयड मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के मुतल्लिक होती है, जिनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में गूगल प्लस और फेसबुक के लिंक दिए हुए हैं ऊपर, तो आप यहाँ पर से मेरे को फॉलो और लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर भी पोस्ट करता रहता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि कोई भी मेरे को मैसेज भेजे और मैं मैसेज उसका पढ़ लूँ और मेरे ब्लू टिक उसके बाद शो ना हो, यानी कि उसको ये शो ना हो कि मैंने उसका मैसेज पढ़ लिया है, क्योंकि कभी किसी के पास टाइम होता है नहीं होता, वो जब ब्लू टिक हो जाते हैं उसका मैसेज पढ़ लेते हैं और रिप्लाई नहीं देते, ब्लू टिक हो जाते हैं तो वो कहता है कि भाई आपने रिप्लाई नहीं दिया, आपने मैसेज पढ़ लिया था। तो अगर आप ये बात छुपाना चाहते हैं कि अपने ब्लू टिक को हाइड करना चाहते हैं, आप 3 डॉट्स में आइए, यहाँ से सेटिंग में आ जाइए, सेटिंग में आने के बाद अकाउंट में आ जाइए, यहाँ पर आप प्राइवेसी में आ जाइए, आपको यहाँ से रीड रिसिप्ट को अनचेक करना पड़ेगा। ये जब अनचेक हो जाएगा तो इससे ये होगा कि आपके पास जो मैसेज आएंगे और अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके फ्रेंड के पास ब्लू टिक नहीं होंगे, उसको पता नहीं लगेगा कि आपने वो मैसेज पढ़ा है या नहीं पढ़ा। लेकिन इससे ये भी होगा कि आपके पास भी ब्लू टिक शो नहीं होंगे, जब किसी और को आप मैसेज करेंगे और वो आप पढ़ लेगा आपका मैसेज तो आपको भी ब्लू टिक शो नहीं होंगे। अगर आप अपना लास्ट सीन हाइड करना चाहते हैं, यानी कि जैसे मेरे फ्रेंड का शो हो रहा है कि 4:07 पर लास्ट सीन इसमें दिखा हुआ टूडे का, आज का, अगर आप इस बात को छुपाना चाहते हैं कि लास्ट सीन क्या था आपका, आपके फ्रेंड को पता नहीं चले आपके लास्ट सीन का कि आप कब ऑनलाइन थे, 3 डॉट में सेटिंग में आ जाइए, अकाउंट में आइए, प्राइवेसी में आइए, इधर लास्ट सीन का वो दिखा रहा है, आप लास्ट सीन पे आ जाइए यहाँ पर और ये देखें लास्ट सीन। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ना देखें तो नोबडी कर दीजिए, कोई भी नहीं देखेगा आपको लास्ट सीन, जो कॉन्टेक्ट आपने सेव करे हुए सिर्फ वो देखें, तो आप माई कॉन्टेक्ट कर दीजिए। अगर आप एवरीवन करना चाहते हैं तो यानी कि आपके पास जिसका नंबर सेव है नहीं है उस और वो आपके लास्ट सीन देख सकता है। अगर आप कोई भी ग्रुप यूज़ करते हैं और उसमें कोई पोस्ट देते हैं तो आपको कैसे पता चले कितने अफराद ने आपकी पोस्ट देखी और किसने कब देखी, किसने अपनी पोस्ट देखी है कि नहीं देखी, किसके पास पहुँची या नहीं पहुँची, तो उसको देखने के लिए आप इस पर लॉन्ग टैप करिए, यहाँ पर आई बटन में जाइए, ये मैसेज इन्फो आ गया, आप इधर से देख सकते हैं कि रीड बैक किस किस ने आपकी पोस्ट देख ली है, तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। आप किसी ग्रुप में हैं या ग्रुप में नहीं भी हैं तो सिंगल चैट में है, तो आपके जैसे फ्रेंड ने या किसी ने आपसे पहले पूछ लिया कि भाई आप सेंटर कल आओगे, और फिर उसके बाद ही फ़ौरन पूछ लिया कि आप सेंटर आज आए थे, तो आप हाँ या ना में क्या जवाब देंगे, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि आपने किस सवाल का जवाब दिया है। तो आप उसके लिए जिस सवाल का आपको जवाब देना है तो आप उस पर लॉन्ग टैप करिए, उसके जो यहाँ पे बैक एरो है आप इस पर आ जाइए, जो आपको मैसेज टाइप करना है आप यहाँ पर रिप्लाई देंगे, आपके फ्रेंड को पता लग जाएगा कि आपने किस सवाल का जवाब दिया है, किसको जवाब दिया। अगर आप ग्रुप में तो कई लोग होते हैं तो अगर आपको पता लग वो बोलते हैं कि मेट्स को जवाब दिया है, किसको जवाब दिया, जिसको जवाब देना है तो आप उस पर लॉन्ग टैप करके ऐसे रिप्लाई दे सकते हैं। आप किसी भी ग्रुप में या चैट में और वहाँ पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैसेज हैं, चैट हैं, तो आप चाहते हैं किसी भी एक मैसेज को जो आपके लिए अहम है आप बोलते हैं कि ये मेरे पास महफूज रहे, आपको बार बार उसको ऊपर करना के देखना पड़ता है, तो आप क्या कर सकते हैं उस मैसेज को लॉन्ग टैप करिए और उसके बाद इस स्टार पर क्लिक कर दीजिए और ये देखिएगा ये मैसेज स्टार्टेड हो गया। आप इसको देखने के लिए इधर 3 डॉट में आ जाइए और यहाँ पर स्टार्टेड मैसेज में आएंगे तो इधर ये शो हो जाएगा। तो इस फीचर से आप किसी भी अहम मैसेज को अपने पास सेव कर सकते हैं। अगर आपके व्हाट्सएप के कोई भी मैसेज, वीडियो या ऑडियो या पिक्चर आपकी डिलीट हो जाए तो आप उसको वापस लेकर आ सकते हैं। आप माई फाइल्स में जाइए, माई फाइल्स में जाने के बाद ऑल फाइल्स में जाइए, यहाँ पर व्हाट्सएप ढूंढिए, व्हाट्सएप में आने के बाद आप डेटाबेस में जाइए, यहाँ पर जिस डेट तक के मैसेज आपके शो हो रहे होंगे आप उस डेट तक इसको रिस्टोर कर सकते हैं मैसेज को। वैसे मैंने डिलीट शुदा इमेज, डिलीट शुदा वीडियो और
इनके मुतल्लिक पूरी एक वीडियो बनाइए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यानी कि अपने मोबाइल में से डिलीट शुदा फ़ाइल आसानी से हासिल करें, तस्वीर हो या वीडियो हो या कोई भी फाइल। तो ये वीडियो में मैंने इस बारे में बताया, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप किसी भी फ्रेंड से चैटिंग करते हुए मैं बोल्ड इटैलिक लिख सकते हैं। जैसे मैं अपने फ्रेंड के चैट में आया, तो यहाँ मैंने स्टार दबाना पड़ेगा। उसके बाद जो मेरे को इसको चैट करनी है हाय, उसके बाद दोबारा स्टार दबाऊँगा तो ये बोल्ड हो गया, मैं इसको सेंड कर दूँगा। ये देखें, ऐसे हम बोल्ड में सेंड कर सकते हैं और इसी तरीके से हम इटैलिक में भी सेंड कर सकते हैं। आप अंडरस्कोर के साइन पे दबाइए, फिर आप अपने इधर मैसेज लिखें। और फिर आप अंडरस्कोर को साइन दीजिए, तो ये इटैलिक में चले आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके अल्फ़ाबेट यानी कि कटे हुए आए आधे, आप एस्टिक का साइन लगाइए। यहाँ पर आप इधर से कुछ भी लिखें, फिर आप वापस एस्टिक का साइन लगाइए। ये देखें, ये जो कोई जो भी अल्फ़ाबेट होगा ये कटा हुआ जाएगा। सिक्योर बनाने के लिए व्हाट्सएप ने एक नई अपडेट दी थी, 2-step वेरिफिकेशन, तो आप उसको अनेबल करने 3 डॉट में आइए। यहाँ से सेटिंग में आ जाइए, अकाउंट में आने के बाद द 2-step वेरिफिकेशन है, इसको अनेबल करने के लिए मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है जिसमें डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। तो आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा। जो चैट आपकी ज़्यादा अहम है यानी कि आपसे जिनसे बार बार मैसेज आते रहते हैं और मैसेज आपको भेजने पड़ते हैं, उनका शॉर्टकट आइकन बना सकते हैं बैकग्राउंड पे। तो जैसे कि मेरे भाई हैं, मैं इनका बनाना चाहता हूँ कि डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड आइकन बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इनको ऐड चैट शॉर्टकट पर मैंने क्लिक कर दिया। और अब देखिएगा, ये देखें बैकग्राउंड पर इनका शॉर्टकट बन गया इमरान भाई का। मैंने यहीं से डायरेक्ट इनकी चैट ओपन करके इधर से मैसेज भेज सकता हूँ कोई से भी। और दूसरा ऑप्शन भी है, अगर आप किसी भी चैट को या कोई भी कॉन्टैक्ट आपके लिए ज़्यादा अहम है, जैसे कि ये ग्रुप ज़्यादा अहम है, तो मैंने इस पर लॉन्ग टैप किया और इधर से पिन पे क्लिक कर दिया। ये व्हाट्सएप का न्यू फीचर है, इस ग्रुप में पिन लग गई है। तो जैसे अगर मैं कुछ किसी और पर चैट करता हूँ, जैसे कि मैंने इसको चैट करी वापस, मैंने इनको सेंड किया इमोजी, तो ये देखें ये नीचे ही देगा। इनकी चैट पर पिन लगाना चाहते हैं, ये चैट ऊपर चली जाएगी। जिधर आप चैटिंग ज़्यादा करना चाहते हैं यानी कि वो चाहते हैं कि वो चैटिंग नीचे ना जाए, तो आप उसको ऊपर लाने के लिए इस पिन वाला ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो मेरे चैनल पर अपलोड है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। क्या आपको मालूम है कि आप अपने व्हाट्सएप के वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं? तो अगर आप व्हाट्सएप के वॉलपेपर को चेंज करना चाहते हैं, तो आप किसी की भी चैट ओपन करिए, 3 डॉट्स में आने के बाद आप वॉलपेपर में आ जाइए। अब यहाँ इतने सारे ऑप्शन दे रहे हैं, अगर आप किसी भी अगर आप गैलरी में से कोई वॉलपेपर लगाना चाहते हैं व्हाट्सएप पर, तो लगा सकते हैं। व्हाट्सएप लाइब्रेरी, ये आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से, यहाँ से आप कर सकते हैं। और इधर सॉलिड कलर में से भी आप कर सकते हैं, किसी भी वॉलपेपर को, किसी भी कलर को आप इधर से वॉलपेपर की जगह लगा सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा फीचर है। कोई भी फ्रेंड आपको तंग कर रहा है, कोई मैसेज करे आ रहा है बाबर, और आप अपना ज़रूरी काम कर रहे हैं और आप उसको ब्लॉक भी नहीं करना चाहते, 3 डॉट में आइए, म्यूट पे आइए, मैसेज तमाम आएंगे आपके पास, बस नोटिफिकेशन नहीं आएगा जिससे आप तंग नहीं होंगे। तो अगर आप करना चाहते हैं तो इधर से अपने हिसाब से 1 हफ्ते के लिए चाहें या 8 घंटे के लिए चाहें, तो अपने फ्रेंड को यहाँ से म्यूट कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर ब्लॉक करना चाहते हैं किसी फ्रेंड को तंग आ गए, तो आप वापस 3 डॉट में आइए। तो यहाँ नीचे मोर में आने के बाद इधर ब्लॉक का ऑप्शन है, आप ब्लॉक में आइए और यहाँ से ब्लॉक पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये फ्रेंड ब्लॉक हो जाएगा। आपको कोई मैसेज भेज सकता है लेकिन आपके पास नहीं आएंगे मैसेज। आप अपने व्हाट्सएप को हैक होने से बचाना चाहते हैं, तो इधर 3 डॉट में आइए और यहाँ पर व्हाट्सएप वेब होगा। व्हाट्सएप वेब में अगर आपने जिधर जिधर अपना व्हाट्सएप को स्कैन करके खोला होगा, तो यहाँ से आप इधर से लॉग आउट कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप को। आपके बार बार मोबाइल में मैसेज आ रहे हैं, अपना काम आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे करना चाह रहे हैं, तो आपको अपने ब्राउज़र में व्हाट्सएप वेब ओपन करनी पड़ेगी और यहाँ से उसको इधर से 3 डॉट में आने के बाद, व्हाट्सएप वेब में आने के बाद इधर से उसका कोड स्कैन करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। अगर आप अपने और अपने फ्रेंड के चैट को ईमेल के ज़रिए किसी को भी सेंड करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट इधर से सेंड कर सकते हैं। इधर 3 डॉट में आइए, यहाँ मोर के ऑप्शन में आइए और यहाँ पर ईमेल चैट पर आ जाइए। अब ये पूछ रहा है विदाउट मीडिया या अटैच, यानी कि मीडिया के साथ, यानी कि आपकी पिक्चर्स वीडियो वगैरह के साथ आप भेजना चाहते हैं। मैं विदाउट पिक्चर्स विदाउट वीडियोस के साथ भेजना चाहता हूँ, तो मैं विदाउट मीडिया पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं अपने
अपने फ्रेंड के टोटल चैट को और अपनी चैट को यहाँ से किसी को भी मेल कर सकता हूँ। अगर आप मोबाइल में डेटा यूज़ करते हैं इंटरनेट के लिए, आपके मोबाइल पे फ्रेंड आपको बार बार पिक्चर्स वीडियोस वगैरह भेजते रहते हैं, खुद ही लोड हो जाती हैं और आपका डेटा ज़ाया होता है। अगर आप इससे रुकना चाहते हैं, इसे रोकना चाहते हैं और अपने डेटा को बचाना चाहते हैं, तो इधर थ्री डॉट में आ जाइए, सेटिंग में आइए, इधर डेटा यूजिंग में आ जाइए। अगर आप मोबाइल डेटा पर यूज़ करते हैं तो आइए व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, डेटा के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें लोड हों, यानी कि मैसेज तो आ जाएगा लेकिन वो पूरा लोड नहीं होता। किसी को नहीं करना चाहते इधर चेक लगे होंगे सब पे, अगर आप जिसको नहीं करना चाहते उधर से आप इसको चेक हटा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वाईफाई भी आपका कम यूज़ हो, आप जब अपना वाईफाई पे आप नेट यूज़ कर रहे हैं वाईफाई पे भी आपकी जो फालतू वीडियोज़ और जो पिक्चर्स होती हैं वो लोड ना हो, तो यहाँ से आप चेक हटा सकते हैं, इधर चेक लगा हुआ होगा। तो आप जिसको हटाना चाहते हैं, जैसे कि आप फ़ोटोज़ को हटाना चाहते हैं कि फ़ोटोज़ लोड ना हो, वाईफाई पे भी ना हो, अब कोई भी वीडियो आपके पास सेंड, अगर कोई भी वीडियो आपके पास आती है और फ़ौरन लोड ना हो, आप उसको चेक करें, अगर आपको सही लगती है तो आप इसको लोड करें, तो उसके लिए आप इधर से इसको चेक हटा दीजिए और ओके कर दीजिए। अगर आप और भी ज़्यादा लो डेटा यूज़ करना चाहते हैं तो इधर लो डेटा यूजेज के ऊपर आप इधर चेक लगा दीजिए, तो आपका बिल्कुल जो डेटा होगा वो और लो यूज़ होगा। अगर आप किसी फ्रेंड को लोकेशन भेजना चाहते हैं अपनी घर की, तो आप भेज सकते हैं, जैसे कि ये मेरे फ्रेंड अजीम है, मैंने इनकी चैट को ओपन किया है, इधर पिन का ऑप्शन है, आप इधर आइए और इधर से लोकेशन में आने के बाद अपना इधर लोकेशन यहाँ से ऑन करिए और यहाँ पे से इधर करंट लोकेशन इधर से सेंड कर सकते हैं अपने, ये देखें सेंड टू करंट लोकेशन से इधर आप अपनी लोकेशन सेंड कर सकते हैं। और इधर से ही आप किसी भी कॉन्टैक्ट को भी इधर से सेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड को, इधर आप कॉन्टैक्ट में आइए और कॉन्टैक्ट में आने के बाद जिसका भी आप कॉन्टैक्ट भेजना चाहते हैं अपने फ्रेंड को, तो यहाँ से उसको सेलेक्ट करिए और इधर से सेंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।